हाय रिचार्ज आर्मी मॉर्निंग ऑल दोस्तों, आज शनिवार को आप सब साथी बहुत अच्छे होंगे। आज शनिवार के अलावा एक और खास दिन है, आज ईद है। आप सब साथियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह ये देश जो है इतनी विविधताओं का कि यहाँ हर दूसरे दिन जो है कोई न कोई फेस्टिवल जो है हम लोग किसी न किसी कोने में मना रहे होते हैं। तो आज का दिन जो है हम लोग ईद के इस मौके पर जो है आज बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे और जिसका सब्जेक्ट है लेट्स ड्रीम। तो मैं उन साथियों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आप पहले सुनिए कि क्या बात हो रही है, उसके बाद में आपको जब हैंड रेज करने की जरूरत हो तो हैंड रेज करना है। तो आज के दिन में जो है बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के ऊपर कि आओ सपना देखें, अगर हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो आओ सपना देखें। और जब हम ऐसा जब सोचते हैं तो हम लोग सीधा एक मूवी आई थी गुरु मूवी करके, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आओ सपना देखें। तो उसका एक एक जो कुछ डायलॉग है कुछ साथियों को बहुत अच्छे से आते हैं, उसके कुछ सॉन्ग हैं, उसका कुछ जो है जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो बहुत सारी चीजें जो है दिमाग में कौनती है। लेकिन एक और चीज है उस मूवी के अंदर, और वो है कि वो इंसान जो है अपनी जो सफर जो शुरू किया है वो जीरो से शुरू किया है। तो आज जो हम लोग जिनके साथ बात करना चाहते हैं वो उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े इंसान अपनी जिंदगी में थे या हैं, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं कि जिनके सपने तो हैं लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है। सपने जिनके बड़े होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम जो है इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूं कि आम को पेड़ बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जैसे मेरे पास एक गुठली है आम, और वो आम बनना उसमें कैपेसिटी है, लेकिन मैं उसको अपनी स्टेबिल के ऊपर रख दूं आम की गुठली को, और मैं वर्षों इंतजार करूं उससे कि भाई आप पेड़ बनो, जबकि उसके अंदर सारे गुण हैं, तो क्या कभी आम पेड़ बनेगा? आम मेरे आइडिया से तो कभी भी पेड़ नहीं बनेगा, क्योंकि टेबल पे रखा वो सूखी गुठली ही रहेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको वही सारी चीज चाहिए जो एक पेड़ बनने के लिए जरूरत होता है। पहला अच्छी जमीन चाहिए, उस जमीन में उसको जो है पानी के साथ जो है उसको हमको कल्टीवेट करना होता है, फिर समय समय पे पानी देना होता है, जब वो बाहर आ जाती है तो लगातार उसको नर्सिंग करना होता है। ऐसा ही कुछ जो है हमारे सपनों के साथ है। लेकिन आज हम जो है कुछ साथियों के साथ जो है एक इंट्रैक्शन सेशन में जाना चाहेंगे, और उनसे हम चाहेंगे कि जो जो साथी उनको लगता है कि देखिए यहाँ पर लगभग फिक्स कुछ साथी हैं, 100, 125, 150, वो अपना हैंड रेज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे इस मीटिंग में जितने भी साथी पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, ये हम हर किसी के लिए ये मीटिंग है, हर किसी के लिए, क्योंकि आपकी सफलता आपकी फैमिली के लिए, आपके सपनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। मेरी सफलता, दूसरे किसी लीडर की सफलता, तीसरे किसी लीडर की सफलता, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको मौका मिलता है तो खिलाड़ी बनिए, दर्शक मत बनिए। जब खिलाड़ी बनना शुरू करेंगे ना, तभी हम अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और हमने एक लीडरशिप का एक सेशन किया था कि नए लीडर कैसे खड़े करें, तो उसमें एक 15 रूल्स में से जो है एक रूल ये भी है कि जब मौका मिले तो लोगों को बोलने का मौका दीजिए, जब भी मौका मिले लोगों को बोलने का मौका दीजिए। तो हम यहाँ पर मौका दे रहे हैं कि आप में से कौन साथी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वो साथी एक बार अपना हैंड रेज करें कि साहब हम सफल होना चाहते हैं, वो साथी अपना हैंड रेज यहाँ पे कर लें। जिन भी साथियों को लगता है कि उनका सपना है कुछ कि वो सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक उनकी पीढ़ियों में नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा कुछ बन के दिखाना चाहते हैं अपनी फैमिली में, उन लोगों को भी दिखाना चाहते हैं जिन्होंने बोला था कि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं करने से ये लड़का ये लड़की निकम्मी है, ये इनका दिमाग का समझ में नहीं आता है क्या है। वो सारे साथियों को भी लगता है मेरे अंदर कुछ जिद है, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, वो सारे साथी जो है
अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि सब हम जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो है अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उन सारे साथियों से जो मैं एक बार चाहता हूं कि आप अपना हैंड रेज करें, तो आपके साथ जो है हम थोड़ा सा बात आज के दिन में करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक दूसरा सवाल यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, और उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इतना परमिशन दें कि सर आप जो है सर मुझको बुला के जो है कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर, कि मेरी मैं सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं और मैं आपके साथ जो है अपनी बात को जो है शेयर करना चाहता हूं, और मुझे कुछ दिक्कत नहीं है अगर आप मेरे से कुछ चीजें अगर बात करेंगे तो ये होगा। अच्छा, कुछ साथियों ने तो अपना वीडियो ऑफ करके ही हैंड रेज कर दिया कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, तो आप उनका आप सक्सेस रेशियो जो है हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नापने की कोशिश करेंगे कि मुझे ये डर है कि मेरा डेटा खत्म हो जाएगा, फिर दिन में मैं व्हाट्सएप कैसे चलाऊंगा, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरा इतना डेटा है उसको अगर मैंने अगर अपना वीडियो ऑन कर दिया तो खत्म हो जाएगा। तो उन साथियों के लिए सक्सेस का मायने यहीं तक है कि वो हैंड रेज तो कर रहे, वो बाकी से ठीक है। बहुत सारा साथी यहाँ पे इस मीटिंग में बहुत साथी सुन रहा है, थोड़ी देर में ये 500 को पार चला जाएगा, बहुत साथी सुन रहा है, लेकिन कुछ साथी जो है अपना हैंड रेज करते हैं। उसके अलावा कुछ साथी उसमें ऐसे हैं जो हैंड रेज तो करते हैं लेकिन वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो आप सक्सेस का मायने वहां से थोड़ा सा अगर हम निकालना शुरू करेंगे चीजों को, तो फिर जो है आपको समझ में आने लग जाएगा कि कोई व्यक्ति को यहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपया क्यों आ रहा है और मुझे क्यों नहीं आ रहा है। उसका एक जो है हम एक कैटेगरी अगर करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप में से किसी भी साथी को जो है मैं अपनी स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूं, तो आपका अगर वीडियो ऑन नहीं होगा उनका, तो फिर जिन्होंने हैंड रेज भी किया है उनको मैं बुला नहीं पाऊंगा यहाँ पर। तो बुला नहीं पाएंगे तो फिर उससे आपका हैंड रेज करने का कुछ जो है मजा नहीं आएगा उसमें। तो आपको अगर लगता है आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हैंड रेज भी मत करिए, फिर आप जो है उसको सक्सेस वाली जो लाइन बोली है, बोलो सर ये मेरे लिए लागू नहीं होती है, ये मेरी फैमिली के लिए लागू नहीं होती है, मैंने गलती से ऐसे ही सुन लिया था, इसको मैं काट देता हूँ सर। तो उसको जो हटा दीजिए कि नहीं ये सक्सेस वाला सर ऐसे मजाक में मैंने हाथ खड़ा कर दिया था सर, मेरा थोड़ा मूड बन गया था मजाक करने का इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया था, लेकिन वीडियो तो हम ऑन नहीं करते क्योंकि ये हमारी जो है फैमिली परिपाटी है, हमारी पारिवारिक जो है परंपरा है कि इसको हम वीडियो को ऑन करके नहीं बैठते नहीं, हम बोलो हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं सर, तो हमारी परंपरा है सर, तो मैं सक्सेस और मेरी परंपरा में से जो है मेरी परंपरा को ही चुनाव करना चाहता हूं, तो मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगा सर, तो वीडियो ऑन नहीं करूंगी, तो ये हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने हैंड रेज किया है तो इतनी भी हिम्मत रखे कि वीडियो भी ऑन करिए। अगर हैंड रेज किया है इसका मतलब आपका एंटीना खुला है, आपके एंटीना में जो यहाँ पे बात हो रही है वो जा रही है, अगर वो जा रही है तो अपना वीडियो भी ऑन रखिए। तो दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हम ज्यादा बेटर ढंग से जो है चीजों को समझ पाएंगे। आज मैंने किसी भी साथी से कोई बात नहीं की है कि किसको हम स्क्रीन के ऊपर लेके आके जो है बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसे साथी को लाके जो है बात करें। अच्छा, जिनसे भी हम बात करेंगे आज के दिन में वो थोड़ा सा अपने को जो है रिलैक्स करके जो है यहाँ पे बैठेंगे, और उन साथी से जो है हम थोड़ा सा बात यहाँ पे करेंगे। मैं एक साथी है हमारे बीच में, उनका नाम है लाल बाबू साहा। लाल बाबू जी आप एक बार जो है अपने आप को अनम्यूट करिए सर। लाल बाबू साहा जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आप अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बुलाता हूँ सर। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात सर? लाल बाबू जी ठीक है, आप नहीं सुन पा रहे? सुधीर जी को मैं इनवाइट करता हूँ, सुधीर बुला। माय रिचार्ज आर विद द मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज आर विद द मॉर्निंग सर।
सुधीर जी आप तैयार हैं मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए आज के सेशन में? यस सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो आपने ये जो बैकग्राउंड जो चेंज किया है अपना, कल कुछ और था आपका, आज कुछ अलग है, तो ये कुछ आपने अपने लेवल पे चेंज किया कि आपको किसी सीनियर ने बोला थोड़ा चेंज करो बैकग्राउंड? एक्चुअली मैं सर अभी लाइट घर में है नहीं, तो अंधेरा लग रहा है, तो मैं बाहर बरामदे पर आके बैठा हूँ। हाँ, तो बरामदे वाला आपका बैकग्राउंड अच्छा हो गया सर, तो लाइट आपके घर में रहे नहीं तब तो जो भी अथॉरिटी है उसको हम बोलेंगे कि रोज ही आपकी लाइट काट ले। हाँ, ये प्राकृतिक नेचुरल लाइट है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। तो सुधीर जी सक्सेस होना चाहते हैं? यस सर, यस सर। डायरी दिखाइए एक बार। ये आपकी डायरी है जी सर। पेन दिखाइए एक बार, पेन दिखाइए। बहुत आपकी बेटा है बेटी है, ये पीछे कौन है? ये बेटी है सर, आस्था कुमारी। आस्था कुमारी को एक बार बिठा दीजिए ना। आज जो है हम आस्था कुमारी के बारे में भी आपसे बात करेंगे, बात आपसे ही करेंगे। एक बार बिठा दीजिए आस्था कुमारी को आराम से, है ना? सामने नहीं लाके बिठाना है, साइड में बिठा दीजिए। बेटा बैठ जाइए, आपको उधर बैठ जाइए। आप पापा को जो है, पापा की एक एग्जाम चल रही है अभी, उस एग्जाम में आपको जो है ना इनको कुछ भी बताना नहीं है, तो आप थोड़ा दूर बैठ जाइए। तो सुधीर जी आपने अपनी डायरी में कोई माई रिचार्ज को लेके कोई प्लान लिखा है, कुछ जिंदगी का गोल लिखा है कुछ? गोल तो है सर कि अभी विगत 5 वर्षों से तो सिस्टम में है सर। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इस डायरी में आपने कुछ लिख रखा है उसको? मतलब अचीवमेंट का मैंने कोई ये नहीं रखा है सर, गोल नहीं लिखा है, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये है कि हमको अपना नीचे 4 सिल्वर तैयार करना है, जिसमें ऑलरेडी 4 हो चुका है सर, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, नहीं तो मेरा डायमंड। मेरा सवाल कुछ और है सर, ये तो आपका जो है वो संकल्प का पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपके ड्रीम के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। जी सर। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? आस्था कुमारी को, रमिता कुमारी को आप जिंदगी में क्या देना चाहते हैं सर? आपकी वाइफ का नाम रमिता कुमारी ना? यस सर, यस। तो पहले हम बात करेंगे कि रमिता कुमारी को आपने जिंदगी में कुछ देना चाहते हैं, उसका कुछ लिखा है क्या डायरी में? नहीं सर, वो चीज डायरी में सर मैंने मेंशन नहीं किया है। आपने नहीं लिखा है सर। फिर आस्था कुमारी को कुछ देना चाहते हैं? जी सर। देना चाहते हैं? बिल्कुल सर। डायरी में लिखा है? नहीं सर, वो भी नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है। आपके कितने बच्चे हैं? 1, 2 कितने? 2 लड़का है सर, 2 लड़की है। 2 लड़की है, तो और बाकी के नाम बताइए एक बार। बड़ा लड़का है हरे राम। हाँ। और दूसरा है हरिओम कुमार। हाँ। और एक है बेटी, बड़ी बेटी है मंदाकिनी कुमारी, और ये छोटी बेटी है आस्था कुमारी। आस्था सबसे छोटी है, मंदाकिनी उससे बड़ी है, उससे बड़ा हरिओम और सबसे बड़ा हरि कुमार है सर। हरे राम सबसे बड़ा है। हरे राम सबसे बड़ा है। तो हरे राम के लिए आपने जब हरे राम का जब जन्म हुआ सर, तो घर में क्या क्या किया गया, मतलब आपको कैसे? जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होता है सर कि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उनका छठी मनाया जाता है 6 दिन के बाद। छठी में सब लोग थोड़ा खुश होते हैं, उसके उत्साह जन्मदिन के अवसर पर, छठी के अवसर पर कुछ खुशियां मनाते हैं, कुछ लोगों को बुला के खिलाते पिलाते हैं रात में। हाँ, बच्चे के तकिया में ना वो कलम और कापी डाला जाता है। तो इन इन इनकी जिंदगी में आपने सोचा कि इनको क्या बनाना है? मुझे प्लान किया आपने? जी सर, प्लान किया है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ सर, मेरा चूंकि एजुकेशन ओनली 9th तक का है, तो मैंने अपने बच्चा को गाइड किया है, उनको समझाया है कि आपको तो बहुत आगे जाना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, इधर उधर के किसी काम में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो आप स्टडी में ज्यादा लगो, उनकी ट्यूशन भी लगा रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते हैं,
जो मेरा परिवेश है उसी में हम सर सैक्रिफाई कर रहे हैं, मैनेज कर ठीक है। तो आपने कहीं पे लिखा कि बच्चे को आप क्या बनाएंगे, कहीं डायरी में आपने लिखा सर इसको? नहीं ये चीज नहीं लिखा है सर, लेकिन मेरा सपना है कि पढ़ लिख के हमसे तो बहुत आगे बड़ा इंसान बने। अब वो बच्चा धीरे धीरे आगे उनके पेरेंट्स और टीचर लोग गाइड करते हैं ना कि ये बच्चा किस ओर जाना चाह रहा है, आईएएस बनेगा आईपीएस बनेगा। मेरा कम से कम तो सपना है सर कि किसी भी प्रकार से इनका सोच बड़ा डेवलप करके और मैं आईएएस बनने की तरफ में इनको प्रेरित करूं। आईएएस आप सोच रहे हैं कि वो आईएएस बने सर, आपने डायरी में नहीं लिखा लेकिन आपने अपने मन में लिखा कि वो आईएएस बने। तो आईएएस बनने के लिए कितना पैसा लगता है आपको पता है सर? जी सर सुना तो हूँ सर, बहुत ज्यादा पैसा लगता है सर। तो बहुत ज्यादा जो पैसा लगता है उसको, उसके लिए कहीं डायरी में आपने जगह दी है उसको कि वो पैसा जो है हम बनाएंगे ताकि बच्चे का जो है ये हो जाए। कितना उम्र हो गई आपके बेटे की? मेरी सर? आपके बेटे की? बेटे की उम्र सर 13 साल है। 13 साल हो गई अभी, अभी उनको जो है 22 साल में जो है ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है चालू हो गई वो प्रक्रिया आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनको कोचिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, फिर आपका ये चाहिए। तो पैसा कहाँ से चाहिए सर? ग्रेजुएशन तक भी चाहिए लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद और पैसा चाहिए। तो एक बेटे के दूसरे के लिए भी आपने बनाया होगा, पहली बेटी के लिए बनाया होगा, मन में कोई सपना बनाया होगा ना सर? जी सर जी। अच्छा रमिता कुमारी को कुछ देना चाह रहे हैं? जी सर बिल्कुल। क्या देना चाह रहे हैं? मेरे बाद मेरे जीवन में जो भी खुशियां है सब उनको खुशी मिले, कौन सी उनको वो हर खुशी देना चाहते हैं, जो एक सामान्य आदमी जो एक जेंटलमैन देना चाहते हैं वो सारा खुशी देना चाहते हैं। जैसे? जैसे कि सर अभी मेरा खुद का घर नहीं बनाया है, ये पिताजी का बनाया हुआ है। मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ कि इनके जीवन में ही इनको बहुत सुंदर एक मकान बना के गिफ्ट करूँ, ये तो सपना है सर। चूंकि अभी लोग बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि सर आपने घर नहीं बनाया है, तो ये मेरे अंदर में ख्याल चल रहा है कि इस पर काम करना है, घर तो बनाना ही बनाना है, बिना घर बनाए तो काम होगा नहीं। और एक अच्छी गाड़ी का भी ख्वाहिश है सर। अच्छा। जी सर। कभी आप आपस में डिस्कशन करते हैं कुछ इस टॉपिक के ऊपर, आप हस्बैंड वाइफ दोनों जब अकेले बैठे? जी सर होती रहती है सर, हैं इस पर होती है सर, चर्चा होती है सर, चर्चा होती है, लेकिन उसको डायरी में हम नहीं लिखते। हाँ सर, चूंकि पहले इतना बड़ा सोच नहीं था ना सर, वो तो आपके मार्गदर्शन में धीरे धीरे सोच थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, पहले तो कुछ लिखते ही नहीं थे डायरी में। हाँ जी, डायरी में लिखना क्या है, डायरी थोड़े पूरा करेगा, लेकिन अब सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपके मार्गदर्शन से कि नहीं डायरी में तो नोट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत दिन से बात हो रही है अपनी, लेकिन फिर भी आपने डायरी में नहीं लिखा उसको, है ना? अब मैं सुधीर जी आपको 3 सिचुएशन देता हूं, एक बार मुझे थोड़ा सा आप सोच के बताइए कि आपने बोला कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपका एक पोर्शन मैंने छोड़ दिया इधर वाला कि पेरेंट्स के बारे में, तो पेरेंट्स को भी कुछ करके देना चाह रहे हैं आप, आपके मम्मी पापा को? सर मम्मी पापा एक्चुअल में वो स्वर्गवास हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो है नहीं तो आप ही की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, जो भी सर, ठीक है जी सर। कोई भाई की आपके ऊपर, बहन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं सर, भाई बहन वो सब मेरे, मतलब आपकी 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आप, आपकी वाइफ और 4 आपके बच्चे। जी जी सर। आप जो है आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों की अच्छी एडुकेशन हो, आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास एक गाड़ी हो, और भी कोई सपना है सर, कोई चीज जो आप डिस्कशन करते होंगे आपस में? सर सपना तो है कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा बड़ा मान प्रतिष्ठा मिले, लोग जाने हमको। और कोई सपना? वही है सर, अपना अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, ये तो हो गया, ये 3 तो हो गया, इनके अलावा कोई बात? बैंक बैलेंस हो, बच्चों की अच्छा शिक्षा हो, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, बच्चे का लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके,
ये सब तो सपना है सर। अच्छा अच्छा, बाहर कभी खाना खाया है जाके इस महीने में? बाहर मतलब सर, बाहर में तो ज्यादातर वाइली जंक फूड मिलता है, लिट्टी समोसा बिहार में जैसा होता है। हाँ। तो किसी होटल में हम नहीं जाते हैं सर। अच्छा, नहीं होटलों में बहुत अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है सर। सर वो उस होटल में नहीं जाते हैं, चूंकि एक दिन का ही 5,000 रुपए लगता है। एक दिन का ही 5,000 लगता है, इसलिए नहीं जाते हैं उसमें। बाकी सर नहीं जाते, जंक फूड मिलता है। अगर आपको मैं 5,000 रुपया दे दूं और बोलूं कि वहां उस होटल में खाना खा के आइए, जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाना चाहेंगे। आपने कभी दोस्तों को ऐसे पार्टी पे बुलाया कि भाई आप मिलके खाना खाते हैं? हाँ सर, अपने स्तर से जब छोटा सा कुछ काम करते हैं, छोटा सा मीटिंग करते हैं तो नहीं, घर तो से नहीं बाहर, घर से बाहर वाला, वो तो फंक्शन हो गया घर का। नहीं सर, वैसा सर बचपन से नहीं है कि बिना किसी कारण के हम लोग होटल में गए। अच्छा ठीक, अब मैं एक एक तीन सिचुएशन दे रहा हूँ सर आपको कि आप तो बिहार में रहते हैं सर, और बहुत भयंकर मान लो तूफान आ गया नेपाल साइड से, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, घर से बाहर निकलने की पोजीशन नहीं है हमारी, और आपसे ये आस्था कुमारी जो है बोलती है कि पापा मेरे को ना चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या चॉकलेट लाके? ये बेटी आपको अच्छी तो लगती है ना सर? बेटी बेटा सभी अच्छा लगते हैं सर। सबसे छोटी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बोले कि मुझे चॉकलेट खानी है, आप बोलेंगे नहीं मेरी बेटी तो चॉकलेट खाती नहीं, उस पे नहीं जाना है, ये बोल रही है मुझे चॉकलेट खानी है, आप भी समझिए उसको चॉकलेट खानी है, लेकिन बाहर इतना आंधी तूफान है कि आप दुकान तक जा नहीं सकते, तो आप क्या बोलेंगे इसको? सर हालात ऐसा है तो उस हालात में सिर्फ सिंपल चॉकलेट के लिए सर कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ओला भी पड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में कुछ रखा है तो उससे उसको बहला देंगे। अच्छा, दूसरा चीज रखा है उसी से बहलाएंगे। अच्छा दूसरा सिचुएशन है, इस बेटी का बर्थडे है सर, एक केक लाना, बेटी बोल रही है मेरा केक लाइए, लेकिन बाहर वही बारिश तूफान है, तो क्या करेंगे आप? सर पहला बात की सर, मैं पश्चिमी सभ्यता को मानने वाला आदमी हूँ नहीं, पश्चिमी पूर्वी कुछ नहीं, बर्थडे अभी तक किसी का नहीं मनाया सर, पश्चिमी पूर्वी कुछ नहीं है, हमको ये है कि उसके बर्थडे पे कुछ तो करते होंगे ना आप सर, इसमें पश्चिमी पूर्वी कोई नहीं है सर, यहाँ सारे पूर्वी रहते हैं इस देश में, दुनिया के सबसे ज्यादा केक इंडिया में कंज्यूम होते हैं सर, इसमें सर बहुत केक पश्चिम से आया ही नहीं है सर, ये किसने बोला केक पश्चिम से आया सर, ये केक किसने बताया पश्चिम से आया सर? उसका बर्थडे है, वो बच्ची कोई कोई जिद कर रही है कोई चीज के लिए, तो आप क्या करेंगे? ये दूसरी सिचुएशन, क्योंकि उसके लिए चॉकलेट वाले दिन से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिन है उसका बर्थडे। आपको आपका बर्थडे आता है सुधीर जी, आपका बर्थडे आता है, कोई आपको हैप्पी बर्थडे करता है तो उसको आप क्या लिखते हैं वापस? कुछ लिखते हैं या बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता का हम बहिष्कार करते हैं, हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं आप? तो सर सबको फेसबुक पर ही हैप्पी बर्थडे लिखता है, वैसे तो कोई फोन करके उसको वापस लिख देते हैं, उसको आप कुछ लिखते हैं, रिप्लाई कुछ करते हैं? हाँ रिप्लाई करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो अब आस्था कुमारी की एक चाहत है कि उसके बर्थडे पे मेरे मम्मी पापा कुछ ऐसा करें, लेकिन बाहर तो बहुत आंधी तूफान है, तो आप क्या करेंगे? बाहर से वो बच्ची चाह रही है मेरे लिए कोई चीज आए, कोई ऐसा चीज बने, मेरे दोस्तों को बुलाऊं मैं करके, तो क्या करेंगे आप? हाँ सर कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा, बच्चा को खुश करना पड़ेगा सर। कैसे मैनेज करेंगे बताइए? मत छतरी के सहारे हो या और किसी साधन के सहारे हो? बहुत भयंकर तूफान है भाई, बहुत भयंकर आंधी तूफान है। देखिए सर बहुत ज्यादा ही भयंकर तूफान है, सिचुएशन निकलने के लिए मेरे पास फोर व्हीलर है नहीं, तो सर बिल्कुल भी हम नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अच्छा अभी एक तीसरा सिचुएशन मैं देता हूँ कि आप तो आयुर्वेद पे बिलीव करते हैं, आयुर्वेद की सारी चीजें करते हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इसी बच्ची का ना हो लेकिन इसी बच्ची का बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है सर, और इतना तेज हो रहा है पेट दर्द जैसे बढ़ रहा है, बाहर तूफान भी ऐसे उड़ रहा है कि पेड़ उड़ रहे हैं ऐसे एकदम से, पानी का रिलम पेल है, लेकिन बच्ची का पेट दर्द इतना हो रहा है और उसको इमीडिएट जो है उसका चेकअप कराया जाना जरूरी है,
अब क्या करेंगे, लेकिन हालात इतने हो गए कि बाहर तो भयंकर ही तूफान बढ़ गया है सर, तो क्या करेंगे? उस हालात में सर ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ कि जो हमारे समाज में कोई चार चक्का फोर व्हीलर चलाते हैं, हाँ, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे बच्चा को हॉस्पिटल थोड़ा पहुंचाइए, इनका इलाज जरूरी है। हाँ, किराया बेशक आप 200-500 ज्यादा ले लीजिए, तो उनका आग्रह करके रिक्वेस्ट करके हम उनको बाजार ले जाने का, डॉक्टर के पास ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक आदमी ने मना कर दिया मैं नहीं जा सकता चार चक्के वाला, तो क्या करेंगे? हाँ, दूसरे को पूछ लेंगे सर, तीसरे को दूसरे ने भी मना कर दिया तो, हाँ फिर तीसरा चौथा, कम से कम 5-10 गाड़ी वाले का नंबर तो रहता है, सब पर ट्राई करेंगे, फोन नहीं लगेगा तो उनके घर भी जाएंगे, कोई नहीं मिल जाता। अब हाँ ये सर, आप चॉकलेट लेने के लिए भी क्या गाड़ी वाले को ट्राई कर सकते हैं क्या सर? नो सर, नहीं, वो केक या कोई भी बर्थडे की कोई चीज लाने के लिए भी आप गाड़ी वाले को ट्राई करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच सवाल है। जब हमारी जिंदगी और मौत के बीच सवाल बन जाएगा ना, तब हमारा ड्रीम जो है ना वो सक्सेस हो। तो इसलिए सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि डायरी में लिखो, और डायरी में हम नहीं लिखते क्योंकि हमारे लिए माय रिचार्ज सिस्टम जो है अभी जिंदगी और मौत के बीच सवाल नहीं है, हम उसको सिर्फ कर रहे हैं। तो जितने भी साथी, ये सुधीर जी मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं सब साथियों से बात कर रहा हूँ, ये कोई सुधीर जी का हम इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। जब हमारे बीच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा, जब मेरे को ये लगे कि मेरी पिछली पीढ़ी जो है गरीबी में बीती थी ये नहीं बीतेगी, ये मेरे लिए डू एंड डाई का जब मौका बन जाएगा, तब हमारे ड्रीम जो है हम डायरी में लिखते हैं, तब हमारे ड्रीम जो है अचीव होना शुरू होते हैं। क्योंकि एक गाड़ी वाले ने मना किया, दूसरा, दूसरे ने मना किया, तीसरा, तीसरे ने मना किया, चौथा, चौथे ने किया, बोला 10 का नंबर रखता हूं मैं 10ों को ट्राई करूंगा जब तक नहीं होगा। यही चीज जो है, हमको जब अपना अपना गोल जब क्लियर होता है ना, तब हम इस चीज को करते हैं। क्योंकि गोल क्लियर है, बच्ची का पेट दर्द हो रहा है, उसको किसी भी लेवल पे ले जाके उसका एग्जामिन कराना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है। जब ये चीज हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो हम जो है वो वाले पोर्शन पे आ जाएंगे जो सुधीर जी ने आपने बोला कि चार साथियों को मुझे क्या करना है, रॉयल्टी में ले जाना। जी सर, ये सर, तो सबसे पहले हमारे सामने गोल है, एक गोल है चॉकलेट, एक गोल है हमारे सामने केक, और तीसरा गोल है कि बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है। तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है, जब हमारा यहाँ पे ये जब क्लियर हो जाएगा, सबसे क्लियर है मेरे सामने, एक तरफ जो है ये चीज लिखी है उसको अचीव करना, उसको फाइंड आउट करना है। जब हमारी जिंदगी में ये चीज फाइंड आउट हो जाएगी तब अचीव होगा, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि डायरी में लिख। तो सारे साथियों से जो है मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे चलाना चाहता हूँ छोटा सा, और इसके बाद में आपको अगर कुछ हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आप सारे साथियों से वापस बुलाऊंगा, तो आपने क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, उसको थोड़ा सा ईमानदारी से सब साथियों को जो है बात करना है। सुधीर जी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हम जो है सारे साथी एक बार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरे को यहाँ पे साथ दिया इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार। तो साथियों, एक मैं आपके साथ जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ, और इसका नाम ही है आओ सपने देखें। तो आओ सपने देखने वाले जितने भी साथी हैं उन सारे साथियों के साथ जो है आज का ये मीटिंग हो रहा है। अच्छा, जिस साथी को जो है अभी ये बात करते करते बहुत सीरियस हो गया है ना, वो एक बार थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए भाई, थोड़ा सा हंस लीजिए, क्योंकि कभी कभी हंस भी लिया करो जिंदगी में, क्योंकि ड्रीम को सपना देखने के लिए ना, जो लोग रोते हुए लोग हैं ना वो सपना नहीं देखते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में खुश मिजाज है ना वो सपना देखते हैं। तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स हो जाइए, अभी एक प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए ही हम बात कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका घर संसार के लिए बात कर रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाइए, एकदम मुस्कुरा के जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर लोग ड्रीम क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो सुधीर जी के साथ कोई सेटिंग नहीं करी थी बिल्कुल भी। सुधीर जी इस मीटिंग में भी आ रहे हैं, इसका मतलब सुधीर जी नहीं है, ऐसे हजारों सुधीर जी हैं जो इस मीटिंग में आते हैं,
लेकिन वो अपना ड्रीम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? ये स्लाइड मैंने इनसे पूछ के नहीं बनाया था, ये एक मानव व्यवहार है। क्योंकि 90% लोग जो है जिंदगी के उस रेट रेस में, मतलब चूहों की जो दौड़ है उसमें शामिल है, जो हमें लीक से हटके कोई चीज नहीं करने देती है। सिर्फ दुनिया में 10% लोग हैं जो अपना सपना लिखते हैं। तो आज अगर आप अपनी डायरी में लिखते हैं तो अपने आप को आप बोलिए कि मैं उन 10% लोगों में है जो अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, जो अपने सपनों को लिखते हैं। व्हाई मोस्ट पीपल डोंट राइट देयर ड्रीम्स, इसका रीजन क्या है कि रेट रेस में हम लोग शामिल हो जाते हैं और इसलिए नहीं लिखते। तो आप अगर जब अपना ड्रीम लिखते हैं डायरी में तो दुनिया के उन 10% लोगों में है आप, मतलब मोटा मोटा हो सकता है दुनिया में 9.5% लोग लिखते होंगे, हो सकता है 10.25% लिखते होंगे, लेकिन है सक्सेस रेशियो जो है वो इसके पास ही है। वही लोग जो लोग अपने ड्रीम लिखित में लिखते हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे क्योंकि इसको पारिया जी ने अपनी जिंदगी में बार बार इस चीज को रखा, मैंने रखा है दोस्तों इन चीजों को। बहुत बार आपके साथ बात करते बताया मैंने इस ड्रीम को यहाँ पे लिखा है और फिर उसको जाके उसके साथ जिया है बार बार। तो ज्यादातर लोग ड्रीम क्यों नहीं लिखते हैं, उसके दो रीजन है। पहला, हमारे दिमाग में ना दो हिस्से है, एक है वो जो सपनों को बात करता है, सोचता है, ड्रीम करता है, लेकिन उससे बड़ा एक हमारे दिमाग का जो पार्ट है ना वो लॉजिकल है, तर्क, तार्किक है, तर्क। जैसे कोई आदमी बोला ओ माय रिचार्ज तुम सक्सेस हो गए, तुम नहीं हो सकते, हम उसके साथ बहस में उलझ जाते हैं क्योंकि हमारा तार्किक दिमाग जो है हमको तर्क में ले जाता है कोई भी चीज के ऊपर। जब जब भी कोई व्यक्ति दूसरे भी कोई टॉपिक के ऊपर, बहुत बार आप देखेंगे कि आपको कोई तर्क वितर्क कुछ करना ही नहीं था लेकिन आप एक बहस में उलझ जाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि आपका दिमाग 90% आपके खुद के साथ बहस करता है। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा हमारे साथ लॉजिक में जो है तर्क में उलझा रहता है। जब हम इस तर्क वाले दिमाग के ऊपर विजय पालेंगे ना तो हम अपने ड्रीम्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, हम अपने सपनों पे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का ये पोर्शन जो है तर्क वाला, जो जिसको बोलते हैं हम अगर सीधी भाषा में बोले तो कुतर्क, मतलब हम कोई भी एक अच्छी चीज सोचते हैं उसका एक नेगेटिव पार्ट जो है, एक दूसरी चीज जो है हमारा दिमाग जो है हमको बताना शुरू कर देता है, नहीं ये है, ये है, ये है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम ड्रीम को लिखते हैं तो हम ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बना पाते कि ड्रीम और तर्क में जब आता है तो हमारा दिमाग तार्किक हो जाता है। तो तार्किक दिमाग को जो है कंट्रोल करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में इसी जूम में हम बात करेंगे कि हम हमारा लॉजिकल जो माइंड है उसको जो है कैसे हम कंट्रोल करें। क्योंकि बहुत सोसाइटी में आप बात करेंगे बोलो लॉजिकल होना गलत क्या है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप लॉजिकल होइए। लेकिन आपका लॉजिकल अगर लोगों को आपसे दूर कर दे, आपका लॉजिकल अगर आपको आपकी फैमिली से में मन मुटाव कराए, झगड़ा कराए, आपको दूर ले जाए, कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ही जीतना है, हमारा दिमाग फिर हमको एक कमांड देना शुरू कर देता है मुझे किसी भी सूरत में अभी इसको हराना ही हराना, इसको चित करना, इससे मुझे आउटपुट क्या आ रहा है उसका मतलब नहीं है। तो दिमाग के इस पोर्शन को जब हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इससे नहीं होगा, एक और पार्ट है और वो है हमारे डर जो है ड्रीम्स नहीं लिखने देते। इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था पहले, मेरा आइडिया था उधर में ले जाने का, लेकिन बहुत सारा टाइम हम दूसरी जगह कहीं उसमें चले गए थे। तो हमारे डर जो है ना, हमारा फियर जो है वो हमें हमारे ड्रीम्स को नहीं लिखने देता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अभी मैं सुधीर जी से बात कर रहा था तो उनके उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ रमिता जी और वो बात करते हैं आपस में कि मेरे पापा ने ये घर बनाया, मुझे घर चाहिए, मुझे एक फोर व्हीलर ये भी चाहिए, मैं सोचता हूँ, बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं, ये सोचता हूँ। लेकिन डायरी में क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है अपना पेन को पकड़ के लिखने की, क्योंकि वो सोचते हैं लेकिन ये अचीव हो जाएगा, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा एक जो है IAS बना हुआ है, एक ऐसे कलेक्टर का कमरा है वहां पे बैठा है, बहुत सारे लोग आके जो है उनसे जो है सलाह ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कोई चीज का सोल्यूशन करा रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन जिस दिन सुधीर जी करने लग जाएंगे उस दिन सुधीर जी अपनी डायरी में इसको लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको जो लॉजिकल माइंड है वो डरा रहा है उनको कि ये संभव नहीं है दोस्त, इसको तुम नहीं लिख सकते हो, इसलिए सुधीर जी अपना पेन पकड़ के वहां पे नहीं लिख पा रहे।
ये सुधीर जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये आप जितने भी साथी इस जूम में या वीडियो में इसको सुन रहे हैं उन सब का प्रॉब्लम है ये। तो हमारे डर जो है बड़ा घर हम सोच रहे हैं, लेकिन बड़ा घर बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, वो डर है कि मैं सोच तो रहा हूं तो बड़े घर की कल्पना ही नहीं है मेरे पास, बस एक बड़ा घर चार पहिया गाड़ी। तो उनमें उनपे हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे जाके। तो हमारे वो डर हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा था आपके क्या क्या डर हैं। बहुत डर हैं भाई, डायमंड क्लब इसलिए नहीं करते कि हम हमको डर लगता है, डायमंड क्लब इसलिए हम लोगों को नहीं बताते कि हमको डर लगता है। हम 12 रुपए का साबुन और टूथपेस्ट और वो चीजें ढूंढते हैं जो आखिर में बच गई हमारे पास, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता किसी को प्रमोट करने के लिए। मानगोल प्रमोट करते हुए मैं इसलिए नहीं है कि मानगोल में मुझे पता है 6 इंग्रेडिएंट हैं, हजारों हजार लोगों की जिंदगी को बदला है इसने, लेकिन मैं मेरा डर है इसलिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। सामने वाले ने मुझे मना ही नहीं किया मानगोल प्रमोट करने के लिए, तुलसी प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रीबून चैंप्स प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रीबून विमेन प्रमोट करने के लिए, मेरा डर मुझे प्रमोट नहीं करने देता है, क्योंकि मैंने अपना ड्रीम जो है उसको जोड़ के नहीं लिखा है। उसको जोड़ के लिखता कि मैं कितने इनहेलर बेचूंगा तो मेरी जिंदगी में मेरा घर बनेगा। तो आप देखेंगे कि आप जितना बड़ा घर बनाना चाहते हैं उससे कोई 100 गुना ज्यादा ढेर आप इनहेलर का लगाएंगे तो आप कुछ ईंटें अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब उस इनहेलर को बेच के मेरा घर नहीं बन सकता। हाँ, इनहेलर कंपनी ने लॉन्च किया, हम भी यूज करेंगे, दूसरे साथियों को भी यूज करेंगे, लेकिन ये मेरा डर है क्योंकि मैं मानगोल को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे हमारा उन प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो मेरा घर बनाएंगे। तो वो डर जो है वो सेकंड चीज है। और डर कहां से आता है? मेरा तार्किक जो दिमाग है, मेरा लॉजिकल जो माइंड है, वो बोलता है 2 = 2 = 4, ऐसा हमेशा नहीं होता। आप 2 × 2 = 4 जब करेंगे ना, तो जिंदगी की गाड़ी जो है हमें ड्रीम नहीं लिखने देती है। ड्रीम में वासुदेव जी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि आप उतने अपने पैरों को पसारिए जितना आपकी जो है ना चद्दर अलाउ नहीं करती, उससे और लंबा पसारिए। जब जब पैरों को बाहर निकालेंगे ना आप, आपका हाथों आपके पास चद्दर आएगी, आप सोचेंगे कि आप उतना ही पसारेंगे, उतना ही बाहर करेंगे जितने आपकी औकात है। तो औकात है तो फिर औकात इतनी है, फिर घर नहीं बनेगा, फिर गाड़ी नहीं आएगी, फिर बेटा बेटी जो है बहुत आगे नहीं जाएंगे इसमें। तो हमारे डर पे जो है, फियर पे अब हम नियंत्रण कैसे पाएंगे, इसका तो एक अलग पूरा टॉपिक है। लेकिन डर पे नियंत्रण का एक ही चीज है, मैं बार बार बोलता हूँ, रोज पढ़ना शुरू करो, रोज पढ़ना। आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप 10वीं पढ़े हैं कि आप ग्रेजुएट हैं? आप IAS बन के माई रिचार्ज के सिस्टम में है, RAS बन के यहाँ पे आए, IPS बन के आए, कि आप यहाँ पे चौथी फेल हैं कि तीसरी फेल हैं? मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है ना। तो आप किताबें लेके, एक व्यक्ति हो सकता है कि वो 5 दिन में एक किताब को पढ़ लेगा, आप हो सकता है 50 दिन में उसको पढ़ लें, लेकिन आपको आपका भी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करेगा। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा डर जो है खत्म होता है, जैसे जैसे हम लिखते हैं चीजों को, वैसे वैसे हमारे ड्रीम्स जो है, सपने जो है, वो और मजबूत होते हैं। तो डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत तो है नहीं, डर के आगे तो दर्द है, क्योंकि डर के आगे तो सुधीर जी को अपना पेन और डायरी उठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वाइफ के साथ, रमिता मैडम के साथ बैठना पड़ेगा, चारों बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी छोटी बेटी है, उसकी भी उम्र जो है मैंने देखा तो काफी वो सोचने जैसा है। तो हम 6 को बैठना पड़ेगा एक साथ कि बेटी तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, वाइफ को कि आपका सपना क्या है। तो सबको डिस्कशन करना पड़ेगा ना, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं करके। तो उसको हमको डायरी में 1212 1212 1212 लिखना पड़ेगा। अकेला घर, अकेली कार ही सपना नहीं है, उससे अलावा बहुत सारे सपने हैं। जैसे मैंने सुधीर जी ने पूछा आपने बाहर कब खाना खाया, बोला हम नहीं खाते सर, इधर में जंक फूड है। तो मैंने बताया नहीं, बिना जंक वाले भी हैं। तो बोला सर उसमें तो 5000 रुपया खर्चा लगता है। तो ड्रीम प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना नहीं, खाना है तो खाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि 5000 रुपया क्यों दें हम उसके लिए, जब मेरे घर में 1000 रुपया में या 700 रुपया में पूरे परिवार का खाना बन गया तो मैं 1000 रुपया क्यों दूं। लेकिन दोस्त, सिर्फ अगर हम कुछ ही लोगों के लिए तो बाहर वो सारी चीजें नहीं बनी, वो हमारे लिए भी बनी है, और उसमें शुद्ध सात्विक आयुर्वेदिक सारा वैसा वाला खाना मिलता है आप जो चाहते हैं। तो डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत है। तो दर्द को जब लिखना शुरू करेंगे ना हम, हमारे अंदर का जो पेन है
जो बैठा हुआ है, जब हम उसको लिखना शुरू करेंगे ना, वो बात कितने रोलटे चूर, वो बाद में आएंगे। पहले हम अपने दर्द को जो है अपने डायरी पे जब बयां करना शुरू करेंगे, तब हमारा दर्द जो है वो स्टिमुलेट बाहर निकलना शुरू होगा। परिवार का इमोशंस जब आएंगे, इमोशंस के जब साथ होंगे, मतलब आप अपने बेटे बेटी को भी इतना फ्रीडम दें, आपने सारा लिखा लिया, वो बोलेंगे पापा आपने मम्मी आपने लिख तो लिए ये सारे, लेकिन ये अचीव थोड़ी हो रही है इसके लिए। जब ये पेन, जब घर में एक एक पूरा एक संघर्ष चालू होगा इस चीज का पूरा, हम अंदर ही जब एक एक, एक मंथन शुरू होगा, तो जो है हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दर्द लेना पड़ता है सबसे पहले ड्रीम के लिए, और वो है कि हम लिखें, उतने लिखो जितने आप लिख सकते हो, लिखते जाओ ड्रीम्स को, रोकना ही नहीं है, जितना लिख सकते हो उतना, कितने भी लिख सकते हो कि मैं अपना एक हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, लिख लीजिए, प्राइवेट जेट आपको लगता है लिख लीजिए, आप मेरा सपना कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, लिखिए, लिखते जाइए। तो कुछ सपनों के बारे में हम बात करते हैं, बहुत सारे नहीं है, मैंने कुछ छोटे से उठाए हैं, मतलब जो सपने हो सकते हैं उसका मैंने यहाँ पे 10-15% लिखे हैं। बहुत सपने होते हैं, जैसे नए जूते, कि भाई हम परिवार में नए जूते दिलाएंगे सबको, खुद के लिए जूते खरीदेंगे, वाइफ को दिलाएंगे, हस्बैंड को दिलाएंगे, गिफ्ट करेंगे। आप बोल रहे हैं वेस्टर्न में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे है, छठी क्यों मनाई, छठी मनाई तो भाई नए, वो छठी हर हर बार उनका बर्थडे तो आता है, तो उनको हम क्या चीज देते हैं, तो देखना है हमें क्या दे सकते हैं, क्या 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 हम कोई प्रण कर सकते हैं कि अगले बर्थडे में हमारे बच्चों को जो है जूते देंगे, नया जूता उसके लिए, जो पहन रहा है स्कूल का सारा है लेकिन और देंगे, नए कपड़े, ये भी एक ड्रीम हो सकता है। मैं कोई बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम फैमिली का जो है हमने डिसाइड किया हम हर 4 महीने में एक मॉल पे जाएंगे और वहां से हम नए कपड़े खरीद के लाएंगे सारे लोग। कब लाएंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे, पैसे आ जाएंगे भाई, लिखना शुरू करिए। पैसे कब आएंगे, जब आप लिखेंगे। आपने नीड को ही नील कर दिया, क्योंकि ड्रीम्स और नीड के बीच में ना एक थोड़ी सी माइनर लाइन होती है, लेकिन उसको भी हमने नीचे जब कर लेते हैं तो नहीं होता। परिवार के साथ बाहर खाना हमने बात किया, दोस्तों के साथ बाहर खाना, बोलो घर पे तो बुलाए हैं लेकिन क्या वैसे भी गए हैं। आपके बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ना कहाँ फंस गए इसमें करके, उनको बुला के एक बार खाना खिलाइए, आपसे पूछेंगे यार बिजनेस क्या है बताइए तो सही थोड़ा। नया पंखा, एक साथी ने बताया था नया अपना एसी खरीदा है मैंने, तो उनके ड्रीम में था नया पंखा, नया कूलर, नया एसी, नई स्कूटी, नई बाइक, ये भी एक सपना है। ये बहुत सारे लोगों का सपना है दोस्तों, ये जो 5 चीजें मैंने लिखी, इसके साथ आप और कुछ जोड़ सकते हैं, इसके साथ मिक्सर ग्राइंडर जोड़ सकते हैं, इसके साथ एक नया गैस चूल्हा जोड़ सकते हैं, इसके साथ आप जो है और आपके किचन में काम आने वाली जो चीजें, जो जो आपकी वाइफ को पूछ के देखिए क्या चीज और किचन में हो तो आसान आपके लिए हो जाएगा, अपने हस्बैंड से पूछ के देखिए जो जो कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का बाहर का कुछ भी, कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज जो है ढूंढिए छोटी छोटी। ये भी तो ड्रीम लिखिए, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम हो गए कि इसको 2 महीने में मुझे 1 महीने में 45 दिन में कंप्लीट करके देना ही है, इसको लेके आना ही है मुझे, क्योंकि घर तब बनेगा जब ये चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी उससे नहीं। आटे की चक्की, आजकल छोटी छोटी आटे की चक्की आने लगी घर पे, कि फ्रेश, आप आयुर्वेदिक सारी चीज तो बात करें लेकिन आप जो आटा लेके आ रहे हैं वो कितने दिन पहले पिस के आया आपको नहीं पता है। घर पे हमारे अनाज रखा, हमने नई आटे की चक्की छोटी सी आ गई, 10,000, 8,000, 6,000 की चक्कियां आती है, कि हम अपने घर पे इसकी पिसाई कर लेंगे। वाइफ के लिए गोल्ड का कोई कोई चीज है करके, वो भी बच्चों की पढ़ाई बिना किसी कंप्रोमाइज, जो सुधीर जी ने यहाँ बात किया था, बच्चों की पढ़ाई बिना किसी कंप्रोमाइज। तो आप जब अपने बच्चे को कोई किसी पोस्ट पे देखना चाहते हैं तो उसको विजुअलाइज करिए, उसके अंदर कितना खर्चा आएगा वो सारी चीज भी विजुअलाइज करिए। तो सबसे पहले हम डायरी में लिखेंगे मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं ये इस पोस्ट पे जाते हुए देखना चाहता हूँ, और ये आपका प्रेशर नहीं है, ये बच्चे की चॉइस है, लेकिन उसको अगर वो अपनी इस चॉइस को पूरा करना चाहता है तो जी जान नहीं लड़ा देंगे, पैसा सारा लाएंगे, और वो जो है हम ना कहीं से लोन लेंगे ना कुछ लेंगे, माई रिचार्ज के सिस्टम से हम अचीव करेंगे उसको। उस चीज को जब हम डायरी पे लिखते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमको बताता है सुधीर कुमार कहां से आप अचीव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किसको रॉयल्टी बना सकते हो, किसको डायमंड क्लब करा सकते हो, किसको क्या करा सकते हो, आपको लगातार बताना शुरू करता है। बेटी की शादी, शॉपिंग बिना किसी कंप्रोमाइज, बेटी की शादी भी हम करते हैं ना तो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है करके, लेकिन बहुत जगह नहीं होता है। मेरे एक दोस्त ने जो है उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कि हमने मेरी बेटी को हमने डिसाइड किया था कि उसको हमने बोला था बेटी
हम जो शादी की शॉपिंग करेंगे तुमको प्राइस टैग नहीं देखना है इसके ऊपर, विदाउट प्राइस टैग देखे तुमको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट तुमको अपनी शादी में चाहिए वो उसको सेलेक्ट करना है तुमको। पैसे तुम्हारे मम्मी पापा देंगे, हमारे पास है, तुम अपनी चॉइस का प्रोडक्ट अपनी शॉपिंग करोगे। क्या हम सोच सकते हैं क्या ऐसा, क्या हम लिख सकते हैं कि अपनी डायरी में स्टेज से लोग मुझे सुने, जैसे सुधीर जी ने बताया था कि फेम चाहिए सर, लोग नाम जाने, तो स्टेज से मुझे लोग सुनेंगे तो ही तो मेरा फेम बनेगा। तो स्टेज से किन को सुनेंगे, जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वही तो स्टेज से सुनेंगे। लोग हमारी तारीफ करें, कब तारीफ करेंगे, जब हम लोगों की तारीफ करेंगे, जब लोगों के काम आएंगे तभी तो लोग तारीफ। ये भी तो ड्रीम है। कार, अब कार तो हम सोच लेते हैं चार चक्का होना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। कार तो, कार का ब्रांड कौन सा होगा, किस ब्रांड की, किस कंपनी की कार, कार का मॉडल क्या होगा उस कंपनी का, कौन सा मॉडल, कार का रंग कौन सा होगा, मेरी का, मेरी कार का इंटीरियर कैसा होगा, मेरी कार का लुक कैसा होगा, अंदर से किस रूप में, अपने फैमिली को बैठा हुआ महसूस करिए कि मैं इस कार में बैठा हूँ, इधर में ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं कि साइड में बैठे हैं, आपकी वाइफ उसको चला रही है, कौन ड्राइविंग सीट पे बैठा है, कौन आपके बगल में बैठा है, कौन पीछे वाली सीट पे बैठा है, कौन हंस रहा है, कौन जोक मार रहा है आपकी फैमिली में, आपकी कार में बैठ के सोच के देखिए एक बार। घर, बड़े घर की हम बात कर रहे हैं, पर घर कैसा, कितने बेडरूम, ड्राइंग कैसा, डेकोरेशन कैसा होगा, किचन कैसी होगी, गार्डन कैसा होगा, किस रूप का मेरा घर होगा, कैसा घर होगा। तो डायरी में तो लिखा ही नहीं है, डायरी में तो उससे आगे की बहुत सारी चीज लिखनी है, कितनी सारी चीज। इसके अलावा घूमना, क्या भाई घर हो गया, कार हो गई, सारी चीज अच्छी होगी तो घूमने नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे लिखिए ना, कब जाएंगे, किसको साथ लेकर जाएंगे लिखिए, तो लिखेंगे तब अचीव होगा। बीच बीच में कंपनी बहुत सारा ऑफर देती रहती है, उसको हम अचीव करते हैं क्या, क्योंकि इसलिए अचीव नहीं करते कि हमने उसको लिख ही नहीं रखा। हमने, अरे यार सिंगापुर बहुत दूसरे लोग जाते हैं, हम थोड़ी जाते हैं यार, थाईलैंड वाईलैंड ये हमारे काम का थोड़ी है, हम फॉर विदेशी संस्कृति में थोड़ी, हम तो जो है इधर ही जो है रह के जो है यूपी बिहार दिल्ली हरियाणा पंजाब बंगाल उड़ीसा इधर ही रह जाएंगे करके हम घूम आएंगे ना, कभी दीघा चले जाएंगे भाई, कभी हम नॉर्थ बंगाल चले जाएंगे, बहुत कुछ हो गया तो हम दिल्ली लाल किला घूम लेंगे भाई, यही तो है घूमना, तो इससे ज्यादा क्या। और बहुत सारे साथी तो मैं ये बोल रहा हूँ ये भी नहीं, लाल किला कितने साथी गए हैं एक बार सोच के देखिए, कितने साथी जो है आपका विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में गए हैं, आप सोच के देखिए कलकत्ता में रहते हुए, क्यों, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है नहीं वो। और जितना आप घूमते हैं ना आपको उतना स्ट्रेंजर मिलते हैं आपको, आपको ऑटोमेटिक लोग मिलते जाते हैं। इसके बाद में इनकम, 1 लाख इनकम या 50,000, आप बहुत छोटा सोचना चाहते हैं तो 50,000 के लिए कोई तो लिखे डायरी में कि मुझे 50,000 इनकम कमानी है सिस्टम से, कब, डेट देके, 1 लाख इनकम, 5 लाख इनकम, 10 लाख इनकम, 1 करोड़ इनकम। अरे भाई रतन पारिया जो बोलते हैं मुझे मंथली 1 करोड़ कमाना है तो आप भी सोच सकते हैं उसको, लेकिन उसका डेट हमको देना पड़ेगा। 50,000 अगर आज नहीं 50,000 कमाते तो 50 को दीजिए, 1 लाख नहीं कमाते तो 1 लाख को दीजिए एक डेट, 5 लाख को दीजिए, 10 लाख को, हमको डेट तो देना पड़ेगा। ड्रीम्स को हम लिखेंगे तभी तो आएगा। लोगों की मदद करना, ये भी एक सपना हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब सपनों को कैसे अचीव करें, सबसे पहले अपनी डायरी में लिखें। जो साथी अपनी डायरी में नहीं लिख रहे हैं वो हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, वो अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ मजाक कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बोल रहे हैं माय रिचार्ज से बहुत कुछ होने वाला है, दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला आपकी जिंदगी में, सचमुच कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सेल्समैन बनाने के लिए माय रिचार्ज आपको नहीं बोल रही कि आप प्रोडक्ट प्रमोट करिए, आपको सेल्समैन नहीं बनाया है, आपके सपने को अचीव करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया ड्रीम अनलिमिटेड प्लान। इस ड्रीम अनलिमिटेड प्लान से अपने ड्रीम्स जो है, नाम ही है ड्रीम अनलिमिटेड, और हम बोलते हैं जितना लिमिटेड ड्रीम देखें उतना अच्छा है, चेंज करिए उसको, लॉजिकल माइंड को बंद करिए। आज के दिन ये जूम खत्म होने के बाद आपके पास बहुत सारे काम होंगे, लेकिन फैमिली में आपके पास सारे परिवार के सदस्य बैठ के रिवाइज करिए ड्रीम्स को। सबसे पहली चीज यही है, आपकी भागम भाग जो है ना उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसलिए हम बोलते हैं जब नए साथी को आप ज्वाइन कराते हैं कि वेलकम मीटिंग करो, फिर उनके ड्रीम फाइंड आउट करो। भाई आपका ड्रीम फाइंड आउट नहीं, आप दूसरे का कैसे करा सकते हैं, आपका खुद का ड्रीम फाइंड आउट नहीं है आप दूसरे का कैसे करा सकते हैं। बोल रहे हैं सर मेरा टीम में काम किया ज्वाइन किया काम नहीं करता, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलते हुए 100 की स्पीड में गाड़ी चला दोस्त नहीं चला पाएगा, आपको पहले रास्ता सही बनाना पड़ेगा। तो वेलकम मीटिंग करेंगे जब, मेरे को ड्रीम जब करेंगे, मेरे ड्रीम होंगे तभी तो मैं बताऊंगा अगले को कि ऐसे भी ड्रीम होते हैं, ये भी ड्रीम होते हैं, और लंबी लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ की बात किया है इसमें। तब ने हम उनके संकल्प में आएंगे, तब ने उनके हम 25 की लिस्ट बनाएंगे। ऐसे तो ये धीरे धीरे सुकड़ जाएगी करके, क्योंकि बहुत साथी बोलते हैं 300 की लिस्ट बनाओ, 1000 की लिस्ट बनाओ। हमने आपको 25 की लिस्ट इसलिए बोला कि अपने ड्रीम लिख के आप जब नए साथी को जब ज्वाइन कराते हैं अगले 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन का हमारे पास टाइम है 25 की लिस्ट बना के, तो उनके ड्रीम्स फाइंड आउट करके, ये रास्ता कभी रुकेगा नहीं। लेकिन मेरे ड्रीम अगर डायरी में नहीं है तो अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, जो चाहिए उसका फोटो लेके आओ भाई, जो भी चाहिए उसका फोटो। घूमने जाना है तो उसका लगा दो, सिंगापुर जाना है सिंगापुर का लगा दो, यूरोप जाना है यूरोप का लगा दो, लाल किला जाना है तो लाल किला का लगा दो, दीघा जाना है तो दीघा का लगा दो भाई। घूमने का कार कौन सी चाहिए, कार की फोटो लगा दो घर पे लाके, घर कैसा चाहिए स्केच करके जो भी है उसको, या अच्छा कोई घर आपको दिखता है उसकी फोटो है वो लगा दो करके, अपने घर पे लगा दो। जो भी चाहिए, मिक्सी चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, एसी चाहिए, वही एसी वाले फ्री में देते हैं, बुक्स है ना उनका, जाके देखिए, लेके उनका कैटलॉग आ गया, उस कैटलॉग से निकाल के वो फोटो लगा दीजिए अपने घर में। क्या चीज चाहिए वो फोटो लगाइए, एक नहीं दो चार जगह लगा दीजिए अगर पॉसिबल है तो, और कैसी जगह लगाइए जहां सब उसको देख सके, और आपके मिलने वाले आपके परिवार के लोग अगर मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए। पुट द फोटो ऑफ व्हाट यू वांट एवरीवेयर इन द हाउस सीइंग व्हिच पीपल कैन मेक फन ऑफ यू। आपका मजाक जब लोग बनाए और जब आपको लगे कि यार मेरा मजाक बन रहा है, आपके सपने को रोज कोई याद दिलाए, उसको धन्यवाद दीजिए कि आपका जो है अब उस चीज को अचीव कराने में, जो लिखेंगे वही अचीव होगा। इसलिए अचीव नहीं हो रहा है मेरे दोस्त सुधीर जी, आपने मेरा साथ दिया, मैं आपको टूल नहीं बना रहा हूं, आपने मेरे को बहुत आगे बढ़ने में मदद की आज के दिन में यहाँ पे, क्योंकि आपने अपने ड्रीम को लिख नहीं रखा है, अपने ड्रीम को दीवार पे चिपका नहीं रखा है, इसलिए ड्रीम आपसे दूर जा रहा है। उसको लिख दीजिए, उसको जब हम लिख लेंगे तो हमारे ड्रीम्स जो है हमें अचीव होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आज हमने बात किया है। मैं एक दो साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना हैंड रेज करिए, उनको क्या समझ में आया, क्या वो करना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, तो मैं उनसे थोड़ा सा सुनना चाहेंगे करके। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे, एक मिनट, मैं एक बार जो है शिवानी मैडम को ही लेते हैं, इन्होंने शुरू किया था, शिवानी मैडम को ही हम एक बार लेके आते हैं। जी मैडम। मरीचेज मॉर्निंग सर। जी मैडम। तो जो अचीव करना चाहती हूँ उसको हम डायरी में नोट करें, और जो जो मैं करना अचीव करने वाली हूँ उसको लिख के दीवार में चिपकाना पड़ेगा, और जो आएगा हमारे घर में उसको देखे के हंसेंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या करना चाहते हो, इसके लिए थोड़ा हंसी मजाक होगा तब वो अचीव होगा। और जो जो हम चाहते हैं उसका पिक्चर लगाना पड़ेगा, एसी चाहिए तो उसका कौन सा मॉडल है, क्या कंपनी है, कितना प्राइस है, उस सब पिक्चर हमको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा ड्रीम को सक्सेस होगा, एवं ड्रीम का लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा, एक से करके डायरी में नोट करना पड़ेगा सर। कब लगाएंगे पिक्चर घर में? जो जो जब जब जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसको एक पिक्चर लगा ले, उसका अचीव हो गया तो दूसरा, ऐसे करके अभी जो आपको चाहिए उसकी पिक्चर कब लगाएंगे? आज ही से लगाएंगे सर। आज ही से लगाएंगे, मतलब उसको हमें 48 घंटे भी आगे नहीं जाना है, उसको हम लगाएंगे जाके। फ्री में मिलते हैं ये पिक्चरें सारी जो है ना, आप देखेंगे बहुत सारा, तो आप कार के शोरूम घूम आइए, कार चाहिए तो आपको कैटलॉग भी दे देगा, उससे लाके अपनी फोटो लगा दीजिए। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी छोटे छोटे अचीवमेंट हैं, उसको भी हमें लगाना है पब्लिकली। डायरी में लिखना है, घर में लगाना है, डायरी में लिखना है, घर में लगाना है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर उसको हम करेंगे तो देखिए अचीव, जो लिखोगे जो लगाओगे अचीव होगा। ये भूल जाइए कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, किस किस जगह से आते हैं, उन सारों को भूल जाइए। एक बार सैसब रोय को मैं बुलाता हूँ, बताइए सर। मॉर्निंग सर। जी सर, आज तो बहुत कुछ सीखा। हम जो हमारा डायरी में तो रोज लिखता है, लेकिन हमारा ड्रीम को
ऐसा करके नहीं लिखा, तो आज से हम हमारा जो छोटा और बड़ा हम दिन तो लिखा, लेकिन इतना छोटा करके वो नहीं लिखा, तो आज से और भी ज्यादा दिन लिखूंगी। और जो फोटो फोटो लगाना ये तो बहुत अच्छा है, वो मैं आपका जो हमारा ड्रीम छोटा हो और बड़ा हो उसको फोटो तो हमारा घर में रहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाल्गुनी जी आइए एक बार, फाल्गुनी चट्टो जी। यस सर, माय रिचर्ड जर्वे द मॉर्निंग। हाँ सर, आज तो पहले ये सीखा जो आम टेबल के ऊपर रखने के बाद वो कभी तक पेड़ नहीं होते हैं, उसके लिए जो जो चीज लगते हैं वो तो चाहिए। और सर दूसरी है, व्हाई मोस्ट पीपल डोंट राइट ड्रीम, क्यों लिख नहीं लिखते हैं उसके पेपर में। और सर थर्ड है, हाउ टू अचीव ड्रीम्स, पहले तो उसको तो नोट करना पड़ेगा, डायरी के ऊपर लिखना पड़ेगा। और तो सर सेकंड, जो जो चीज चाहिए उसको तो फोटो लगाना पड़ेगा। आपके आज लगा रहे हैं फालूनी जी? यस सर, बिल्कुल लगाएंगे आज। इनमें भी लगवाएंगे? एकदम सर। बहुत बढ़िया, खुद का लगा के फिर टीम में लगवाना है, पहले खुद का लगाएंगे, क्योंकि मैंने अपना लगाने के बाद जो है ना आपसे बात किया है, पहले मेरा नहीं लगेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि मैंने पिछले 10-11 साल से ही मैं लगा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार गोविंद जी आइए, गोविंद कुमार अंबानी। हाँ जी, माय रिचर्ड जर्वे द मॉर्निंग सर। अच्छा, जर्वे द मॉर्निंग सर। सर जैसा कि सर मैंने पहले से ही सर मैंने कुछ लिस्ट अपना बनाया था सर, मेरी डायरी है ये चमकती हुई ड्रीम लिस्ट। हाँ। अलग से सर है, इसमें संकल्प डायरी का लिस्ट ये तो सपनों की डायरी है। तो सर मैंने इसमें पहले सर मैं 18 पॉइंट मैंने नोट किया था सपनों का, तो आज उसको सर मैंने कुछ फाइंड आउट आपने करा दिया है। पहले छोटे छोटे करके जूता कपड़ा, एक अच्छा सा पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, सर मैंने इसको फाइंड आउट भी किया है। और सर मैं इसको आज पूरा नोट करूंगा यहाँ से इसके आगे से, और इसका सर मैं फोटो भी कोशिश करूंगा, मैं निकलवा के लगवाऊंगा अपने। कोशिश नहीं लगाना है, फोटो नहीं लगाना, कोशिश से नहीं होगा। सर जैसे मैं पिछले लगा ना सर, मैं यहाँ पे अपना ये बैनर चेंज करूंगा ग्रीन वाला। हाँ, ड्रीम का बैनर लगाएंगे पीछे, बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया सर, अपने टीम में भी सर ये काम कराऊंगा अपना। पहले खुद करना है फिर टीम में कराना है। आप ट्रेनर हैं सब अपनी टीम के, आप अपनी चीज लाइफ में चेंज करिए, टीम में डुप्लीकेट करिए, अपने आप रॉयल्टी बनेंगे। पाथ जब देंगे ना, 100 की स्पीड चलाना है तो रोड वैसा बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बबलू जी आइए एक बार, बबलू कुमार सिंह। मारी सर, अरे द मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ सर, आज से सपने डायरी को हमने लिखना चालू किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे लिखे हैं, कैसे बनाए। आज आपने मार्गदर्शन दिए हैं, अब इस पे हम थोड़ा अमल करेंगे। अच्छा, इसी में हम बुला जाते थे कैसे सपनों की डायरी क्या क्या बनाए। आज आपने एक एक का आपने बताया, इस पे हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने से तो नहीं होगा, बोले करेंगे। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ, करेंगे। जब किसी को हम बोलते हैं आ रहे हैं, बोलो हाँ हम आ रहे हैं, जब बोलते हैं कोशिश करेंगे तो सामने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोला हम आ रहे हैं भाई। तो अपने सपने को भी बोलना है कि आपको हम अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज से आप जो है वाइफ हस्बैंड बैठना शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। एक बार जो है मैं यहाँ पर बीना मैडम को लाते हैं। बीना मैडम आप आइए एक बार। जी मैडम। मारिचा सर, गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम। मुझे पूरा विश्वास है सर कि सपने लिखने से अचीव होते हैं। मैंने अपनी सीनियर दीदी से सीखा है, उन्होंने अपना टारगेट लिखा था और मुझे हम सबको भी कहा था, तो मैंने भी अपना टारगेट लिखा। पिछले महीने से ही मैंने लिखना शुरू किया और जैसे ही मैंने लिखा, मैं सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी मैंने अचीव कर लिया। तो मुझे तो 100% विश्वास है सर कि सपने लिखने से अचीव होते हैं और मैं लिखती भी हूँ सर। मैं म्यूट हो गए आप। मैं सबको लिखती हूँ सर। बहुत बढ़िया। जो भी मैंने सीखा उसको भी मैं, मुझे BMW कार चाहिए तो उसकी फोटो मैं अपने दीवार में लगा दूंगी सर।
हाँ जी, जो चाहिए वो लगाना है पहले तो सबसे। थैंक यू वेरी मच। चलिए एक बार ज्योता मैडम के पास आते हैं। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर जब से मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ तो हम सुनते हैं कि ड्रीम लिखना पड़ेगा, ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, ड्रीम को डेट देने से गोल होता है, ये सब सुनते हैं लेकिन लिखे नहीं है। एक दिन जब आप थाईलैंड का ऑफर दिए है उस टाइम मैं ट्राई करने के लिए लिखे है, ट्राई करने के लिए कि सच में होता है कि नहीं। उस दिन ही मैं वो लिख के एकदम दीवार में लगा दिया और सर वो उसमें एक्शन किया है, वो काम हो गया अच्छी। अच्छी तो हो गया। यस सर। थाईलैंड अच्छी हो गया। कुछ दिन में आपकी फोटो आएंगी थाईलैंड की ना। यस सर, यस सर। तो वहां से विश्वास इतना हो गया, अभी तो आज तो एकदम पूरा आप क्लियर करके बोले है, वही से मैं लिखो सपना लिखा है डायरी में लेकिन वाल में नहीं लिखा है। आज से तो मैं पूरा एकदम ये क्लीन करके लिख के और फोटो लगाऊंगी, एकदम पूरा लगा दूंगी। बिल्कुल, दीवार पे लगाना बहुत जरूरी है और वहां लगाना है जो आपको बार बार दिखता है। बहुत बढ़िया। अरुण कुमार जी आइए एक बार। अरुण जी। सर भाई सर मॉर्निंग सर। आज जो भी चीज सर लिखे हैं आज से विद परिवार के साथ बच्चे के साथ बैठ करके ये सारा चीज लिखना है और आज से करना है सर। और वो जो है सर डर के आगे दर्द और दर्द के आगे जीत है, यही सबसे बड़ा चीज है सर। और इसी के साथ आज से शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों जगह होने चाहिए, लेकिन डायरी में भी हमारे ड्रीम होने चाहिए फैमिली के साथ और हमारे दीवार पे भी होना चाहिए। अर्जुन पांडे जी आइए एक बार सर। हमने ड्रीम तो लिखा था लेकिन आज जो आपने बताया सर कि छोटे छोटे ड्रीम भी लिखने हैं, चाहे वो हमारे को बच्चे को जूते क्यों ना खरीदने हो या कोई शॉपिंग क्यों ना करानी हो, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम का ये हमने नहीं लिखा था सर, क्योंकि आज आपके ये मीटिंग से हमें सीखने को मिला और मैं इसको लिखूंगा सर। और दीवारों पे वो पिक्चर लगाने वाली बात है सर, तो थोड़ा सा वो नहीं लगाया था लेकिन अब आगे से इसका भी ध्यान रखूंगा कि इसको चिपका दूं सामने। लगा लीजिए तो अच्छी हो जाएगा, लगाएंगे तो अच्छी होगा। डायरी से भी आगे काम करता है, लेकिन पहले हमें डायरी में लिखना है और इसको करना है क्योंकि उसके प्रोसेस पे, इसलिए हमने उसको छोटा सा रख के आज बात करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया। मंजू राठौड़ आइए एक बार। जी मैडम। मेरी कैज मॉर्निंग सर। जी मैडम। सर मैंने भी आज ड्रीम लिखी है, सपना लिखा है, और जो मेरा सपना होगा मैं उसकी फोटो डायरी में भी लगाऊंगी और अपनी वॉल में भी लगाऊंगी जी। और जो सपना सोचते हैं वो जरूर 100% पूरा होता है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, वो कोशिश हम कभी करते नहीं है। लिखित सपने अचीव होते हैं, लिखना है। हाँ जी, सपने। बहुत बढ़िया, तो लिख दीजिए छोटे छोटे टुकड़े करके। आपसे एक बार हमने बात किया था, आप ही वो प्रेरणा स्रोत हैं यहाँ इस मीटिंग की, जिनको लेके आपने बोला था एक बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो वो घर का हमने आज कुछ टुकड़े करने की कोशिश की है मैडम। तो उसको आप अपनी डायरी में उसी रूप में लिखिए और घर में लगाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक बार जो है मैं रंजा दास मैडम के पास आई। रजन्या दास आइए मैडम। माय मॉर्निंग सर। जी मैडम। तो पहले सपना लिखा था पर वो लॉन्ग टाइम का था, छोटे करके मैं नहीं लिखा था, तो अभी मैं लिख लिया डायरी में। और सर मेरा तो एक सपना था कि मैं स्कूटी लूँ, उसके सपना था पर मैं उसे डायरी में नहीं, और सर मैं अभी लिख लिया और उसकी फोटो भी मैं अपने घर में लगाऊंगी। और सर मैं मेरे बच्चे के लिए मैं एक साइकिल खरीदना चाहती थी, वो मैं सपना तो था पर इस छोटे छोटे सपने में लिखा नहीं था डायरी में, पर सर मैं अभी लिख लिया, पूरी तरह से लिख लिया और सर मैं वो टारगेट करके मैं वही तरह से काम करूंगी। बहुत बढ़िया, दोनों को तारीख भी दे दीजिए, दोनों को दीवार पे लगा दीजिए, बच्चे की साइकिल वाला भी दीवार पे लगा दीजिए मैडम लिख के। और उसको जो है तो स्कूटी से पहले साइकिल हो गई क्योंकि उससे आसान है वो, तो उससे कि माय रिचार्ज की इनकम से ही मुझे मेरे बच्चे के लिए साइकिल लेनी है, ये वाली बच्चे से पूछ के वही, ये भी फ्री फोटो मिलती है, जाके साइकिल के शोरूम से लेके आ जाइए
तारीख लीजिए, लिख दीजिए सोच के अपने दिमाग के साथ डायरी में और यहाँ लगा दीजिए, फिर अपने स्कूटी को भी एक तारीख दे के लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और दो चार साथियों को लेने की कोशिश करेंगे। सुनील जी आइए एक बार, सुनील कुमार। बोलिए सर, सुनील जी बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी सर, ये अपना ड्रीम है, अभी अभी इस महीने में हम दिमाग में सेट के ड्रीम भी बनाए हैं। हाँ। कल भी ड्रीम पर चर्चा चला था, तो हम ड्रीम बनाए हैं कि कल ही बोले हैं अपने बुआ को कि आपको हम कल एक साइकिल दिलवाएंगे और हाँ। रवि अभी से लेके रविवार तक के अंदर में दे देंगे, तो कल हमारा लास्ट डेट है सर, और इसी लोग पूरा करेंगे। और उसका जूता भी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा कट गया है, तो वो बोला कि हमें जूता भी चाहिए, हम बोले वो भी मिल जाएगा सर। हाँ। और जो भी अपना ड्रीम है वो लोगों को लगाना चाहिए, और एक दो पिक्चर हम लगाए भी हैं। हाँ। जी मैडम को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं आप है? देखिए मुस्कुराई है, तो मैंने गिफ्ट का बोलते हैं मुस्कुराई है, देखिए तो उनकी मुस्कान को बरकरार रखना चाहते हैं आप। मैडम जी नहीं कर रहे हैं सर, मैडम जी ड्रीम बनाते नहीं है ना, इसलिए नहीं हो पाता है सर। अच्छा, वो तो आपके साथ बैठी हैं, ड्रीम बनाना चाहते हैं तभी आपके साथ बैठी है। हाँ चाहती तो है, लेकिन बिहार की लड़कियां जो है ना, बिहार की लड़कियां जितनी मेहनत करती है ना पूरे देश भर में इतना कोई भी नहीं करती है। बिहार की लेडी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, आपको मैं बता दूं पूरे इंडिया में। मैं किसी को कमतर नहीं आकर आऊं कि इससे मैं बोल रहा हूँ राजस्थान वाले कमतर हैं या बंगाल वाले, लेकिन बिहार की लेडी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, और वो इसलिए कि उसके प्रिय परिवार को वो कुछ देना चाहती है, इसलिए। तो ड्रीम है उनके, आप बैठ के पूछ के बात करिएगा। ठीक है सर, तो मैडम का भी जो है एक चीज लिखिएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया, संजीव जी आइए एक बार, संजीव जी। सर हमारा तो सर शॉर्ट ड्रीम नहीं था सर, इसलिए नहीं हो रहा था सर, लॉन्ग टर्म सर लेके हुए थे, आज से शॉर्ट ड्रीम बना लेंगे सर। हाँ बनाएंगे तो अच्छी होगा सर, बनाएंगे तो अच्छी, बनाना है, बना के चिपकाना भी है। राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। मायरिचा जयर विद द मॉर्निंग सर, मैं इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझती हूँ, इससे मुझे जिंदगी मिली है, शायद मैं आज नहीं होती, मैं इसके वजह से जिंदा हूँ। ये मेरी संकल्प की डायरी है, और ये मैं तो लिखते लिखते हिंदी भी लिखना सीख गई, हिंदी में लिखती हूँ, और ये एक डायरी तो खत्म हो चुकी है, और ये मेरा प्रोडक्ट लिस्ट और रिकवर का वो सब कागजात है, ये मेरे किताबें हैं, इतने सारे किताबें खरीदे हैं जी। हाँ। और अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप मतलब सिल्वर अचीव करने वाली हूँ इसी महीना, और इससे और आगे जाऊंगी। मैं खुद स्वस्थ हुई हूँ, और मेरे जितने जान पहचान वाले हैं उनको सबको क्योर करने वाले हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपके बाकी जो ड्रीम है, ना, है।, ड्रीम है वो सारे लिखे होने चाहिए, और उनको चिपकाइए भी दीवार पे, है ना। हाँ, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, बहुत सारे साथी हैं, लेकिन हमारा क्या कि टाइम हमें अलाउड नहीं करता है, हम कोशिश करते हैं कि 60 मिनट की मीटिंग को और 10 मिनट खींचते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हो गया है टाइम, तो बहुत सारे साथी यहाँ पे रह गए हैं। आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे साथियों। तो आज के दिन में जो हमने बात किया है इसको, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ बैठ के लिखिए, अगर आप फैमिली के साथ नहीं है आज शाम तक आप बैठ सकते हैं तो उनके साथ बैठ के लिखिए। आपका जो जो ड्रीम है, जो फोटो आपको कहीं से भी उपलब्ध हो सकती है, उसको लाइए लाइए, क्योंकि आप सोचेंगे तब आएगी, और उसको जो है अपने घर पे लगाना है, अपनी डायरी में स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तीनों में करके हमको लिखने हैं इसको, फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। देखिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिक जो है बढ़ना शुरू होगा, आपको मानगोल प्रमोट करते हुए डर नहीं लगेगा, आपको चैंप्स प्रमोट करते हुए डर नहीं लगेगा, आपको प्रोटीन प्रमोट करते हुए डर नहीं लगेगा, आपको आयुर्वेदा कैप्सूल्स प्रमोट करते हुए, जीवन्या प्रमोट करते हुए डर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। आज जो हम जो कोई भी साथी जिसको कहीं पे भी फियर आ रहा है,
उनको फियर का रीजन यह है कि ड्रीम्स के ऊपर जो है हमारा तार्किक जो लॉजिकल माइंड है वो हावी है। जब हम उसको नीचे ले आएंगे, उसको ऊपर ले आएंगे, ऑटोमेटिक हमारे ड्रीम्स जो है अचीव होते हैं। आप बिलीव करिए इस चीज को, आप बिलीव करिए, मैं ए टू जेड साथी से बात कर रहा हूं। आप लिखिए, आपके ड्रीम्स अचीव होंगे, होंगे ही होंगे, एक डेट दे दीजिए और लिखिए। तो आज की जो ये जो जूम मीटिंग है ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी सुबह 10 बजे से। तो जो साथियों ने नहीं देखा या आप दोबारा से इसको देखना चाहते हैं दोबारा बार 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 उसके लिए, तो 10 बजे बाद आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और कल सुबह तो संडे है, लेकिन अगले संडे से हम 30 अप्रैल को अगला संडे होगा, उससे हम संडे का भी जो है सेशन चालू करेंगे। तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले जो है अपने ड्रीम को हमको कंप्लीट करना है, और फिर जो है हमको अपने साथियों के ड्रीम्स के ऊपर जो है काम करना है। जो स्टेप हमने बताए थे कि नए साथियों को जब आप लाते हैं वेलकम मीटिंग, उसके बाद में उनके ड्रीम्स फाइंड आउट, उसके बाद में उनका संकल्प की डायरी, तो संकल्प के ऊपर भी आपके क्या संकल्प हो सकते हैं उस पर भी हम एक डिटेल्ड मीटिंग जो है आने वाले टाइम पे करेंगे कि संकल्प का मतलब क्या क्या, कैसे कैसे इसके ऊपर। तो वो पूरा प्रोसेस को जब हम फॉलो कर लेंगे तो ये बिजनेस इतना आसानी से आपको आपके उन ड्रीम्स को अचीव करा सकता है जो आपकी बहुत सारी पीढ़ियां अचीव नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय मारीचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।